नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी की फ्रंट बेंच केसरी हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्षा और होडल से भाजपा की टिकट की प्रबल दावेदार रही डॉक्टर नवीन रोहिल्ला ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पलवल विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष कौशल ततारपुर ने डॉक्टर रोहिल्ला को पार्टी की टोपी और पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर उनके साथ रविंद्र नाथ गर्ग, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर DHBBN और राखी चंदा ने भी पार्टी ज्वाइन की। इस अवसर पर हिंदुस्तानी धर्मेंद्र जिला संगठन मंत्री पलवल, ओम प्रकाश गुप्ता दक्षिण जोन संगठन मंत्री कुलदीप कौशिक, प्रदेश प्रवक्ता रणधीर चौहान, SM अध्यक्ष ब्रह्मदत्त अंगवानपुर, विधानसभा अध्यक्ष प्रतिला मूलचंद बड़ गुर्जर, विधानसभा अध्यक्ष पलवल सुंदरलाल गौतम, विधानसभा अध्यक्ष होडल अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत, विधानसभा अध्यक्ष हथीन अधिवक्ता धर्मेंद्र चौहान, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर रामवीर, जिला उपाध्यक्ष महिला अध्यक्ष रेणु छाबड़ा, सचिन बंसल, जिला सचिव विनय शर्मा, जिला प्रवक्ता रणवीर घाघौत, संगठन मंत्री प्रतिला टेकचंद चौहान, युवा जिला अध्यक्ष नवल पंडित, सीताराम सैनी, रहीम खान सैनी साहब, मांगे राम कटारिया समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पलवल से हमारे संवाददाता निकुंज गर्ग की रिपोर्ट। फिर भी क्या महसूस किया आम आदमी पार्टी में कि यहाँ ज्वाइन किया जाए, बीजेपी को छोड़ दिया जाए? यहाँ पे मैं जो है मैं देख रही हूँ कि जो सत्ता पक्ष के है, जो सरकार है, वो इतना ज़्यादा सत्ता पक्ष में होते हुए भी काम कर नहीं पा रही है। यहाँ पे मैं देखती हूँ जगह जगह, जैसे अभी हम पलवल शहर की अगर हम बात करें, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों को इवन आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। और अगर मैं बात करूँ पॉल्यूशन की, वो देखिए, अगर मैं बात करूँ बेरोजगारी की, सब आपको सबको सब पता है जो भी चल रहा है। तो मतलब मैं ये कहूँगी कि जमीनी स्तर पे जो है काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या लगता है पंजाब में नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है, और जैसे गोवा में भी कुछ सीटें अच्छी आने की उम्मीद, इसको जैसे आप हरियाणा में सोच रहे हैं, हरियाणा में आगे बढ़ेगी पार्टी? मैं तो कहूँगी कि सारे देश में फूले फले पड़े, ईमानदार पार्टी है सारे देश में, इसीलिए ज्वाइन किया, ईमानदारी से और कामों से प्रभावित। चुनाव आने वाले तो क्या मैं विकास के एजेंडे के साथ उतरूंगी, जमीन स्तर पे काम करूंगी, हर आम आदमी के लिए काम करूंगी। हेलो, हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।